हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताऊंगी सबसे छोटा साइज की जो स्लीव होती है, छोटे साइज की जो बाजू होती है, वो किस तरह से हम कटिंग करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए तो आपको यह समझ में आएगा कि हम सबसे छोटे साइज की स्लीव किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए। तो हम सबसे पहले स्लीव की लंबाई लेते हैं। तो सबसे पहले स्लीव की लंबाई लेंगे। जैसे 2 इंच की स्लीव की लंबाई है तो उसमें हमको 1 इंच प्लस करना होता है सिलाई के लिए। तो हम इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 2 इंच की स्लीव जो सबसे छोटी होती है, छोटा साइज होता है सबसे। अब हम स्लीव की चौड़ाई लेंगे। तो जैसे जितना हम आर्म होल लेते हैं ब्लाउज में, तो जैसे हमने 6 इंच आर्म होल लिया है तो उसमें हमको 2.5 या 3 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी चौड़ाई निकल आई है स्लीव की। तो हमने 9 इंच पर निशान लगा दिया है। जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा पेपर था उसको हमने कट कर दिया है। अब जैसे 2 इंच की स्लीव की लंबाई है सबसे छोटा साइज, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है तो 3 इंच लिया है हमने सिलाई के लिए। हमने 1 इंच प्लस किया है। अब हम कैप हाइट लेंगे स्लीव की। तो यहाँ से हम जो खुला भाग होता है इस साइड से, ये जो खुला भाग होता है इस साइड से हमको कैप हाइट लेनी पड़ती है। तो हम कैप हाइट लेंगे, 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे कैप हाइट का, और यहीं से सीधा 1 इंच निशान लगाएंगे। और ये जो फोल्ड वाली साइड होती है वहाँ से हमको लंबाई लेनी पड़ती है स्लीव की, और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे इस तरह से, सीधा 1 इंच लेंगे और इसको यहाँ से स्लीव की गोलाई देंगे। इस तरह से हम स्लीव की गोलाई देंगे। यहीं से हम फ्रंट साइड की गोलाई देंगे इस तरह से। अब हम स्लीव का बॉटम लेंगे। तो जैसे स्लीव का बॉटम है 6 इंच, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और प्लस 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन लेंगे इसमें इस तरह से, और यहाँ से इसको तिरछे में मिला देना है इस तरह से। जो यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ से हम फ्रंट साइड जो बैक साइड की गोलाई है उस पहले उसको कट करेंगे। अब जो हमने फ्रंट साइड की गोलाई दी है उसको कट करेंगे। इस तरह से हमारी सबसे छोटे साइज की स्लीव तैयार हुई है। तो आप इस तरह से जो सबसे छोटे साइज की स्लीव होती है उसको आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।